नमस्ते, आप लोग का स्वागत है हमारे इस नए ब्लॉग वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज है गणपति का पांचवा दिन और दोपहर के अभी 3 बज रहे हैं और आप लोग हमारे यहाँ का मौसम देख सकते हैं पूरा बारिश, बहुत जोरों शोरों की बारिश अभी हुई थी, अभी थोड़ी बारिश बंद है। मैंने बचपन से मैं देखते आ रही हूँ, जब गणपति का पांचवा दिन रहता है ना तो उस दिन बारिश होती है। तो आज गणपति का पांचवा दिन है तो सभी गणपति, ज़्यादातर गणपतियाँ जो है वो पांचवें दिन विसर्जित होती है। तो बारिश हो रही है यहाँ पे, अभी थोड़ा कम है लेकिन अभी 3 बज रहे हैं ना, तो गणपति निकलते निकलते लगभग 3-4 बजे जाएंगे, 5 बजे, 4 बजे, 6 बजे गणपति विसर्जन के लोग निकलते हैं, तो उस समय तो खूब बारिश होती है। तो ब्लॉग के अंदर आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा, अभी मैं उमरगाम के बीच पे जाऊंगी तो वो सब चीज़ें मैं ना वहाँ का पूरा सीन आप लोग को दिखाऊंगी। और आज तो इतनी ज़्यादा चहल पहल रहती है क्योंकि पाँचवें दिन ज़्यादातर गणपतियाँ विसर्जित होती है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़, चहल पहल और एक माहौल जो है ना एकदम भक्ति वाला हुआ रहता है। लगता है कि हमारे बीच बप्पा हैं, साक्षात हैं। अगर आप महसूस करेंगे ना इस बीच में तो पूरा अनुभव होता है। तो ब्लॉग के अंदर बने रहिएगा, पूरा चलेंगे, आप लोगों को पूरा दिखाएंगे। तो हमारे यहाँ का व्यू बारिश के समय ना व्यू बड़ा अच्छा हो जाता है, पूरा हरियाली, थोड़ा भी बारिश गिरता है ना पूरा हरियाली हो जाता है। तो ब्लॉग के अंदर बने रहिएगा, चलेंगे हम लोग और घूमेंगे और आप लोग को भी घुमाएंगे। मैं थोड़ा जल्दी दरिये में पहुंच गई हूं और अभी विसर्जन के लिए एक भी गणपति अभी आई नहीं है। अभी शाम के बज रहे हैं 4:30 लगभग, दरिये पे गणपति 5:30, 6:30, 7:30 बजे तक आएगी। तो दरिये पे मैं पहले ही पहुंच गई हूं, तो अब मैं था दरिये पे, यहाँ पे रुकूंगी, एक आध दो रील्स शूट करूंगी और व्यू कितना सुंदर है थोड़ा सा आप लोग को भी सिनेमेटिक बना के दिखा देते हैं, फिर वापस मैं जाऊंगी पूरा शूट करके आप लोग को दिखाऊंगी। तो व्लॉग को आप लोग कंटिन्यू देखते रहिएगा। देख सकते हैं एक फैमिली अपना गणपति विसर्जन के लिए आई हुई है और अपना यहाँ पे गरबा भी खेल रहे हैं। तो ऐसे करके अभी धीरे धीरे सारी सभी लोग अपना अपना गणपति लेके आ रहे हैं, तो पूरा आप लोग को दिखाएंगे। तो ब्लॉग मैं जा रही हूँ गरबा खेलने, तो आप लोग ना मेरा गरबा देखिए। I'm not afraid to die.
एरिए पे पहुंचने वाली हूँ। पीछे आप लोग देख रहे होंगे, लोग अपनी अपनी गणपति लेकर आ रहे हैं और अंदर गाड़ी आने नहीं दिया जा रहा है, तो सब बाहर ही पार्किंग कर रहे हैं और बाहर जितना नाचना गाना है सब नाच गा रहे हैं और अपनी अपनी गणपति लेकर हाथ से ही लोग अंदर तक आ रहे हैं। और बाकी लोग जो हैं, अभी तो शाम के 5:30 बज रहे हैं, 6 बज रहे होंगे, तो अभी लोग अपने अपने एरियाज जस्ट निकले हैं। मतलब आज 5वां दिन है, तो लगभग नहीं तो 8-9 बजने वाला है लोगों को दरिये तक आते आते, तो इतना टाइम तो रुक नहीं पाएंगे। तो जितनी भी गणपति अभी दरिये पे है उतना देखते हैं, दिखाते हैं, आप लोगों को दर्शन कराते हैं। तो ब्लॉग के अंदर आप लोग कंटिन्यू बने रहें। और यहाँ पे जो गणपतियाँ विसर्जित करने के लिए आए हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा मैं खुद इंजॉय भी कर ले रही हूँ, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। सब जयकारा लगाते हुए आ रहे हैं, भजन कीर्तन करते हुए। अभी शाम को तो इतनी भीड़ होगी कि पैर रखने के लिए भी यहाँ पे जगह नहीं पड़ी मिलेगी। जानू ना